मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि आप काजल कैसे लगाते हो अपने किसी वीडियो में लगा के दिखाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं लगा के दिखा देती हूँ। आईब्रोज मैंने कर लिए है, लिपस्टिक भी मैंने लगा लिया है, बस मुझे काजल लगाना है। काजल मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ लगाने में, पता नहीं उनको क्या दिखाई दिया मेरे काजल में, लेकिन मैं लगा के दिखाऊंगी उनकी संतुष्टि के लिए कि मैं कैसे लगाती हूँ। और हर बार मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो हो सकता है लगाते वक्त मुझसे मिस्टेक हो जाए, और पता नहीं कितना क्लियर मेरे कैमरे में आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि अच्छे से आ जाए। तो मैं लगाने जा रही हूँ काजल। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें यूज करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं, तीन चीजों में मेकअप करती हूँ। तो मैं दिखा दे रही हूँ, ये शुगर का लाइनर है जो कि खत्म होने वाला है, और ये ऐसे ही टेम्परेरी काजल है जो थोड़ा सा स्मच हो जाए, क्योंकि स्मच फ्री वाले मेरे पास है और उससे मुझे बड़ी दिक्कत होती है छुड़ाने में, तो मैं यूज नहीं करती। मैं नॉर्मल सा ये एक जो केन लोकेन पता नहीं क्या नाम है उसका, ये वाला मैं यूज कर लेती हूँ ऐसे नॉर्मली लगाने के लिए। और ये जो है ये निकाके की आईब्रो वाला है इधर भी, लेकिन अब ये मैं आईब्रोज के लिए कभी यूज नहीं करती। मैं इसको स्मच करने के लिए या इसको ऐसे, मुझे ज्यादा मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं है, और इसको बस काजल को थोड़ा सा स्मच करने के लिए, हल्का स्मोकी दिखाने के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। इसका मुंह देखो दोस्तों, ये देखो कितना बढ़िया होगा ना इससे स्मच, तो इसी से मैं करती हूँ। तो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे करूंगी, बस मैं काजल का निकाल लूंगी वीडियो। तो सबसे पहले मैं करूंगी, बहुत अच्छा मेकअप नहीं है दोस्तों, ये बहुत गलत सलत मेकअप मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लगता है तो मैं करके दिखा रही हूँ। हालांकि ये बहुत ये आप लोग घर पर ट्राई नहीं करो तो अच्छा है, मैं करके दिखा रही हूँ। देखो कुछ अजीब लग रहा है ना, ऐसे अजीब अजीब करती रहती हूँ मैं, ये क्या है। अब मैं इसको स्मच करूंगी, लाइट भी चली गई दोस्तों। दोस्तों मैं बहुत हल्का सा करती हूँ, ज्यादा नहीं करती क्योंकि फिर खराब लगेगा। अब मैं लाइनर लगाने जा रही हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने लाइनर लगा लिया और मैं ऐसे ही लगाती हूँ, और आंखों के अंदर मतलब इस वाले में अगर आपको काजल लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मतलब मुझे लगाना है तो मैं लगा सकती हूँ। मैं इसको लगाने के बाद लुक थोड़ा अलग आता है, और इसको बिना लगाए लुक अलग रहता है, आप देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, बहुत अच्छा से नहीं लगाना आता दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से नहीं लगाना आता। ये देखिए दोस्तों लग गया, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, और बहुत अच्छे से लगाना नहीं आता लेकिन अपना काम चल जाता है, तो इतना ही काफी है। मेकअप की बहुत ज्यादा शौकीन भी नहीं हूँ, इतना हो जाए बहुत है, बस आप लोग को मुंह दिखाने के लायक बन जाऊं, तो इसीलिए मैं इतना सा मेकअप कर लेती हूँ। अगर मुझे मेकअप करना आ गया तो मैं जरूर अच्छे से अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊंगी। दोस्तों अभी मस्कारा नहीं लगाया है क्योंकि जरूरत नहीं है, मैं घर पे ही हूँ, और अगर आप चाहते हो तो मैं मस्कारा भी लगा लूंगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल ये ऐसा ही है। मैक्सिमम टाइम मैं मस्कारा नहीं लगाती, मैं ऐसी बस काजल लगा के छोड़ देती हूँ, उतना ही बहुत है। मस्कारा लगाना होता है तो उसको छुटाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लगाती, पलके भी टूटती है, तो मैं बिना मस्कारे के रहती हूँ।
देखिए दोस्तों सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, दक्ष भी आया हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी नहीं है ना, अन्नप्राशन पार्टी में जा रहे हैं और हस्बैंड आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो हम लोग साथ में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा पेड़ है ये वाला, ये देखिए दोस्तों ऐसे दोस्तों जहाँ पे दक्ष का बर्थडे मना था हम लोग वहीं पे आए हैं, दक्ष का बर्थडे यही मना था। हमारा मिशन है लपेट लो लपेटो और चलो। तो मेरे हस्बैंड की वजह से लेट हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्तों गलती नहीं है दोस्तों, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है और इसलिए मैं जल्दी से 2 मिनट का ब्लॉग डालूंगी, 2 मिनट का, क्योंकि अभी पूरा लंबा ब्लॉग डालने में ज्यादा नेट की जरूरत है। यहाँ पे वाईफाई नहीं है, वाईफाई घर पे है और मैं अपने फोन के हॉटस्पॉट से इसको अपलोड करूंगी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, जल्दी से मैं ब्लॉग डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी कल। आई एम वेरी वेरी सॉरी, आज का ब्लॉग फिर डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।